हे भगवान, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? क्यों दुनिया की सारी दुखें मेरे हिस्से में लिखी हैं? मैंने हमेशा कड़ी मेहनत करी है, हमेशा अपने परिवार की सपोर्ट करी है, फिर आखिर मेरे लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों हैं? आखिर क्यों? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हो सकता है ज्यादा नहीं, पर थोड़ा तो सोचते ही होंगे। सो इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से ये समझने वाले हैं कि आखिर हमारे लाइफ में जो दुख है, क्या वो सच में एक दुख ही है, या वो किसी उजाले के आने से पहले की काली रात तो नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक मंदिर में एक सेवक हुआ करता था, जो कि मंदिर की साफ सफाई किया करता था, वो भी निस्वार्थ मन से। और सेवक को भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था। ऐसे ही एक दिन वो भगवान के पास जाता है और उनके सामने हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान जी, आप पूरे दिन मंदिर में मूर्ति बन के पड़े होते हैं, और वो भी कितने सालों से, तो क्या आप यहाँ ऐसे पड़े पड़े बोर नहीं हो जाते हैं? और फिर वो बोलता है कि भगवान जी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ऐसा करें कि एक दिन के लिए आप मेरे जगह आ जाओ और मैं आपके जगह आ जाऊंगा, इससे आपको आराम भी मिल जाएगा और मैं भी देख लूंगा कि आखिर कैसे आप रहते हो पूरे दिन मूर्ति बन के। भगवान जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा ये काम इतना आसान नहीं है, तो एक काम कर, तू अपना काम कर ले और मुझे अपना काम करने दे। सेवक थोड़ा जिद के साथ बोलता है कि भगवान जी, एक दिन की तो बात है, इसी बहाने आपका हॉलिडे भी हो जाएगा और मैं भी देख लूंगा, प्लीज मान जाइए ना। फिर भगवान जी बोलते हैं, चल ठीक है, तू अगर इतना जिद ही कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ, पर मेरी एक इंस्ट्रक्शन है जिसे अगर तू फॉलो करेगा तभी मैं तुझे ऐसा करने दूंगा। और वो ये है कि मंदिर में चाहे जो भी हो जाए, कैसे भी भक्त है, चाहे वो जैसा कुछ भी करे, तुझे बिल्कुल बोलना नहीं है, तुझे बस एक स्टैचू, एक मूर्ति की तरह खड़े रहना है और जो हो रहा है उसे बस तुझे देखना है ध्यान से। सेवक ठीक है बोलता है और फिर भगवान जी उसे स्टैचू बना के वहां से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद मंदिर में पहला भक्त आता है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है, और वो आके भगवान के सामने मत्था टेकता है और भगवान से बोलता है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी धन संपत्ति दी, मैं एक और कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप मेरे धन और मेरे शानो शौकत को और बढ़ाना। और फिर जैसे वो बिजनेसमैन मत्था टेक के उठता है तो वो अपने पर्स को उठाना भूल जाता है और फिर वो उसे वहीं छोड़ के जाने लगता है। अब ये सब देख के भगवान बने उस सेवक से बिल्कुल रहा नहीं जाता है और वो चाहता है कि वो उस बिजनेसमैन को बोल दे कि वो अपना पर्स यही भूल गया है, पर फिर उसे भगवान की कई बातों का याद आता है और फिर वो मन मार के वहीं रुक जाता है। अब कुछ देर बाद दूसरा भक्त आता है, जो कि काफी गरीब होता है, और वो मंदिर के आके आकर के भगवान को 1 रुपए चढ़ाता है और मत्था टेकते हुए भगवान से बोलता है कि हे भगवान, मेरे पास 1 रुपए ही थे जो मैंने आपको चढ़ा दिया, अब मेरे और मेरे बच्चों को खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास, और मेरी पत्नी भी बीमार है, अगर आप मेरी कुछ सहायता करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर जैसे ही वो गरीब इंसान उठता है, उसके सामने पड़ी वो बिजनेसमैन की वॉलेट दिख जाती है और वो उसको उठा के बोलता है, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने इस गरीब की मदद करी। और फिर जैसे वो उस वॉलेट को लेके आगे बढ़ने लगता है तो ये सब देख के फिर से वो सेवक, जो कि भगवान बना होता है, काफी घबरा उठता है और बोलता है कि ये तो उस बिजनेसमैन की वॉलेट है जो कि चोरी करके लेके जा रहा है। और उसे आवाज लगाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तभी उसे भगवान की बातों का याद आ जाता है और जैसे तैसे करके वो खुद को रोक लेता है। अब कुछ देर बाद एक नाविक, एक सेलर आता है और भगवान के सामने मत्था टेकते हुए बोलता है, हे भगवान, मैं एक बड़े बिजनेसमैन के काम से अपने जहाज को, अपने समुद्री जहाज को लेके समंदर में जा रहा हूँ, वो भी करीब 15 दिनों के लिए, भगवान अपने दया दृष्टि मेरे पे बनाए रखना। और फिर जैसे ही वो सेलर अपना मत्था टेक के जाने लगता है तभी वो पहला भक्त, जो कि बिजनेसमैन होता है, पुलिस को लेकर के आ जाता है और पुलिस को बोलता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे यही आदमी आया है, इसने मेरे वॉलेट की चोरी करी होगी, इसे गिरफ्तार कर लो। और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है और फिर ये सब देख के सेवक सोचता है कि हे भगवान, अब ये तो हद ही हो गई है, इतनी बड़ी नाइंसाफी तो कभी भगवान भी नहीं होने देते, तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कैसे रुक सकता हूँ। और फिर वो सेवक जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं भगवान हूँ, मुझे पता है कि चोर कौन है और कौन ईमानदार। और वो बोलता है कि इस सेलर की कोई गलती नहीं है, ये अपने बिजनेस के काम से समंदर जा रहा है, इसके वॉलेट को उस गरीब आदमी ने चुरा है। और जैसे कि अब भगवान खुद बोल रहे होते हैं तो पुलिस वाले सेलर को छोड़ के उस गरीब आदमी को पकड़ लेता है। अब शाम हो जाता है और भगवान जी अपने हॉलिडे से वापस आ जाते हैं और सेवक से पूछते हैं, हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा पूरा दिन? फिर वो सेवक एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, भगवान जी क्या बताऊं, आज मैंने बहुत बड़ी नाइंसाफी होने से बचा ली
और फिर वो सेवक पूरी कहानी भगवान जी को सुनाता है। पूरी स्टोरी सुनने के बाद भगवान जी बोलते हैं, बेवकूफ, तूने काम बनाया नहीं है, तूने काम बिगाड़ा है। तुझे मैं बोल के गया था कि तू चाहे कुछ भी हो जाए तो बिल्कुल हिलेगा नहीं, तो बिल्कुल बोलेगा नहीं, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया? अब सुन मेरी प्लानिंग क्या है, जो कि तेरे सोच से कहीं ज्यादा परे है। पहला जो बिजनेसमैन आया था वो कोई बिजनेसमैन नहीं था, वो एक चोर था। उसकी सारी संपत्ति चोरी से बनाई गई है। और जो दूसरा भक्त आया था वो एक बहुत अच्छा इंसान था, पर वो गरीब था और उसकी पत्नी भी बीमार थी। अगर उस बिजनेसमैन का पर्स उस गरीब आदमी ने ले लिया होता तो उस बिजनेसमैन का कर्मा अच्छा हो जाता और उसके थोड़े पाप भी कम हो जाते। और वो गरीब आदमी हमेशा अपने बचे पैसों को जरूरतमंदों में बांट देता है, लोगों में दान कर देता है। और अब रही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो थर्ड आदमी आया था, जो तीसरा भक्त आया था, जो कि एक सेलर था, जो कि बिजनेस टूर पे समंदर जा रहा था अपना जहाज लेकर के, वो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी तूफान में फंसने वाला था और उस तूफान में उस गरीब आदमी का मौत हो जाएगा। दोस्तों, हमारे लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने किस्मत को पकड़ के रोने लगते हैं, भगवान को बुरा भला बोलने लगते हैं। पर दोस्तों, अगर कुछ देर अपने लाइफ को हम पॉज करें और गहराई के साथ ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये जो बुरे पल हैं कहीं ऐसे तो नहीं कि वो कल हमारे लाइफ में बहुत अच्छे पल बनने वाले हैं, या हमें इतना मजबूत बनाने वाले हैं कि आगे शायद ऐसे पलों में भी हमें मुस्कुराना आ जाए और हम बुरे से बुरे वक्त में भी खुश रहना सीख ले। दोस्तों, अगर हम लाइफ में चाहें तो बुरे से बुरे वक्त में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। और हमारे लाइफ में अगर हम अपने ब्लेसिंग को हमेशा याद रखें, जैसे वो सारी चीजें जो शायद दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए एक ड्रीम हो सकता है, हो सकता है कि आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो किसी दूसरे के लिए उनका एक सपना हो। और अगर हम इन चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद बोलते रहें, भगवान को थैंक यू बोलते रहें हर पल, हर समय, हर सेकंड में, तो हम शायद ही कभी दुखी रहेंगे। सो दोस्तों, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपके लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो आप इस कहानी को याद करिए, इस कहानी को सोचिए और खुद से बोलिए, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।